जय जिनेंद्र। डिसमय पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी, इसको पढ़े बिना मेरे किसी भी स्टॉक्स लेवल पर ट्रेड ना ले। 12 जुलाई 2022 के लिए इंट्राडे लेवल कल कैसा रहेगा बाजार? निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन के डेली लेवल और डेटा एनालिसिस करेंगे। आज मैं मार्केट में नहीं था, कुछ वजह से मैं अभी एक वीक थोड़ा आउट ऑफ मार्केट रहूँगा, ऐसे बीच बीच में आते रहूँगा, लेकिन मार्केट पर मेरा पूरा फोकस नहीं रहेगा। तो आप मुझे क्षमा करते हुए और लेवल देख कर ही काम करें और साथ में निफ्टी को भी मैच करें, तभी आप लेवल पर ट्रेड करें। और डाटा एनालिसिस करेंगे, बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आज पूरा दिन मार्केट में था ही नहीं। तो चलिए अपने डाटा एनालिसिस करते हैं। 11 जुलाई के डाटा है, 12 जुलाई को बाजार कैसा रहेगा आपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 18,095 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी में बाई किए है, एड किए है, तो अब उनके नेट 1,25,155। सामने DII ने शॉर्ट किए 7,506 कॉन्ट्रैक्ट, अब उनके शॉर्ट रहते 22,051। FII ने 6,624 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, तो उनके बढ़ जाते 69,337 शॉर्ट में। प्रो ने भी 3,965 शॉर्ट किए हैं, तो नेट बेसिस पे 33,767 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट चल रहे हैं। अब इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 18,146 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो उनके एक दिन पहले 96,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, उसमें से घटकर अब 78,000 रहते हैं। FII ने 5,340 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं, तो उनके अब बढ़ के 82,570 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रहते हैं। और प्रो ने 23,486 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, तो एक दिन पहले वो 18,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई थे, उसमें से घटकर अब 4,949 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट चल रहे हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 48,348 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, नेट में 44,515 कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट है। FII ने 28,674 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए इंडेक्स पुट में, तो उनके अब बढ़ के 1,53,449 लॉन्ग चल रहे हैं। प्रो ने आज 77,022 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, कल तक वो 64,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे, आज और 77,000 ऐड किए, यानी नेट बेसिस पे 1,41,555 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट के बेचे, यानी तेजी खेले हैं। तो कंक्लूजन यही रहता है कि FII ने जो बेचा है, प्रो ने जो बेचा है पुट, उसके सामने उनका निफ्टी भी बेचा हुआ है, तो वो हेज किया हो सकता है, उसीलिए उन्होंने बेचा हुआ है प्रो पुट को। तो यदि इनके आज की तरह ही बाजार रहेगा, गैप डाउन खुलेगा तो एक बार फिर ऊपर की ओर ले जाएगा, और यदि गैप अप खुले तो आराम से पुट लीजिएगा, अपने को पैसा मिलेगा। कल भी बाजार नीचे ही रहना चाहिए, और आज की तरह यदि गैप डाउन ही खोल दे तो निफ्टी से मैच करके 16,060 के पास या 16,000 के पास कॉल लीजिएगा, तो वहां से अपने को 40-50 पॉइंट आराम से मिलेगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। अब चलते हैं अपने FII ने केस में क्या किया उसके समरी देख लेते हैं। एस पर प्रोविजनल डाटा है अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट। FII ने 2551 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बाई किया है और 3076 करोड़ का सेल किया, नेट बेसिस पे 525 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है। और कैश में FII ने 170 करोड़ का माल बेचा है, DII ने 297 करोड़ का माल बेचा, क्लाइंट प्रो एंड अदर्स ने 467 करोड़ का बाई किया। यदि आपको ये वीडियो के कंटेंट डाटा एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब चलते हैं स्लाइड्स की ओर। मेरे लेवल पर ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़ें, और मेरे लेवल पर ट्रेड लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही मेरे लेवल पर ट्रेड करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इसका जिम्मेवार मैं और मेरा चैनल नहीं है। ट्यूसडे 12 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 16,200 के नीचे सेल कीजिए, सपोर्ट 16,166, 16,140, 16,060 और 16,000 रहेगा। 16,040 के 16,140 के नीचे 16,060 आ रहा है, वहाँ पर आप कॉल ले सकते हो 16,060 से 16,000 का रेंज, ये आप नोट कर लें। ये निफ्टी का मूविंग एवरेज है, कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो 1,03,063,350,
और 9,99,250 ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, एड की है, और भाव कल से क्लोजिंग नीचे है 30-30 पॉइंट की। तो मुझे लग रहा है कि कल भी आज की तरह ही रहना चाहिए, या तो गैप डाउन और या गैप अप खुले तो आराम से फूट लीजिएगा, आपको पैसा मिलेगा और ऊपर में कॉल बेच कर खेल सकते हो। और इनकेस गैप डाउन हो खुल जाए तो 16,060 से 16,000 का रेंज में कॉल लेकर खेलेगा और ऊपर में पुट बेचेगा। ये दोनों आपको संभावना में आपको बता दिया। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। ट्यूसडे 12 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी 16,200 का पुट वीकली वाला एवो 95 के ऊपर बाई कीजिए। सपोर्ट 77 रुपया 66 रुपया रहेगा और रेजिस्टर ऊपर में 150 से 175 तक जा सकता है। ट्यूसडे 12 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी 16,200 का कॉल वीकली वाला बिलो 112-130 के रेंज में, माने 112 से 130 के रेंज में आप बेच सकते हो कॉल। सपोर्ट 68, 56 और 39, रेजिस्टर ऊपर में 155 का रखिएगा यदि कॉल बेचते हैं तो, और सपोर्ट नीचे में 56, 68, 56, 39, 56 से 39 के पास लेकर भी खेल सकते हैं। ट्यूसडे 12 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे हुआ 35,340 के पास लेना चाहिए। सपोर्ट 35,140-35,000, रेजिस्टेंस 35,673-35,850 तक जा सकते हैं। ऊपर में सेल ऑन राइज रहेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, निफ्टी डाउन रहेगा तो बैंक निफ्टी अब रहना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, लेकिन देखते हैं कल क्या हो रहा है। इसका मूविंग एवरेज आप देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट एड हुआ 1,62,725 और बैंक निफ्टी कल से ऊपर बन दिया है, तो कल बैंक निफ्टी तेज रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्यूसडे 12 जुलाई 2022 में बैंक निफ्टी 35,300 का कॉल वीकली वाला जहां पड़े हुआ 475 के पास बेच सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर 580 का रखिए, सपोर्ट नीचे 290-250 तक आ सकता है और बाइंग रेंज मैंने दिया हुआ है 250 से 220 का रेंज में आप ले सकते हो। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट 475 के लिए। ट्यूसडे 12 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी 35,500 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 240 के पास लीजिए। सपोर्ट 200-165 का रखिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 475-560 तक जा सकता है। ऊपर में सेल रेंज करना तो 560 के पास बेच सकते हो और वहां से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस 660 या 700 रुपये का स्टॉप लॉस रहता है। If you like our stocks level Nifty, Bank Nifty stocks and option level and data analysis, please press like, share and subscribe our YouTube channel. यदि आपको मेरे Nifty, Bank Nifty और stocks और option level और data analysis अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा please like, share and subscribe जरूर से करें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं वो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और पास वाली बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। यदि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स और ऑप्शन लेवल पर ट्रेड लेने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेकर ही मेरे स्टॉक्स लेवल पर काम करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है इसका जिम्मेवार मैं या मेरा चैनल नहीं है। This slides video is for education and learning purpose only. Any query, WhatsApp number 9830555353. Thank you for watching our channel. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्त।